नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बालू खनन कंपनी ने बिहार सरकार को लगाया चूना। मंदार पर्वत पर रोपवे का हुआ उद्घाटन। छात्रवृत्ति व पोशाक राशि के गबन को लेकर 97 हेड मास्टरों पर FIR करने का आदेश। पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी। वायरल बुखार से पीड़ित 500 से ज्यादा बच्चे हुए भर्ती। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अगले साल तक पटना के हजारों घर होंगे PNG कनेक्शन से युक्त। देश के कई महानगरों के बाद अब राजधानी पटना में घरों की रसोई भी PNG गैस कनेक्शन से युक्त होंगी। पटना में घर घर पाइप से रसोई गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इस काम की जिम्मेवारी गेल इंडिया को सौंपी गई है। गेल इंडिया के लक्ष्य के मुताबिक अगले साल 2022 के अंत तक 35,000 से ज्यादा घरों तक PNG गैस कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में हर दिन कम से कम 45 नए PNG कनेक्शन लोगों को दिए जा रहे हैं। इसके तहत पाइप के जरिए रसोई गैस को घर तक पहुंचाया जाएगा। गेल इंडिया के मुताबिक पटना के कई इलाकों में कनेक्शन देने के बाद सप्लाई को भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, अनिसाबाग और डॉक्टर्स कॉलोनी में पाइपलाइन कनेक्शन का काम तेजी से चल रहा है। छात्रवृत्ति व पोशाक राशि के गबन को लेकर 97 हेडमास्टरों पर FIR करने का आदेश। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला के DPO स्थापना ने 97 हेडमास्टरों पर केस करके कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये सभी प्रधानाध्यापक 16 प्रखंडों के अलग अलग सरकारी विद्यालयों के बताए गए हैं और इन पर साल 2015-16 में छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इन सभी ने मिलकर छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1,12,75,700 रुपए का गबन किया है। बताया गया है कि कई प्रधानाध्यापकों ने अभी तक अपना अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। बिहार में काली कमाई करके आय से अधिक संपत्ति जमा करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक अपराध इकाई टीम की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह सुबह बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की पटना, आरा और अरवल जिलों में 9 अलग अलग ठिकानों पर EOU की टीम ने छापेमारी की है। नरेंद्र कुमार बिहार पुलिस में सिपाही पद पर तैनात है। उन पर भ्रष्टाचार के जरिए अपने और अपने परिवार रिश्तेदारी के लोगों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाने का आरोप है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह EOU की 9 नरेंद्र के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बताया गया है कि EOU ने नरेंद्र के अलावे उनके रिश्तेदारों के घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को भी अपनी जांच में शामिल किया है। बिहार में 6 जिलों से कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में अब गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 7 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत गोपालगंज से 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वहीं भोजपुर, कटिहार, मधुबनी, पटना और पूर्णिया से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 8 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 68 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.5% पर पहुंच गया है। मंदार पर्वत पर रोपवे का हुआ उद्घाटन। राजगीर के बाद अब बांका में भी पर्यटक रोपवे की सैर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे की सौगात दी है। इसी के साथ यह बिहार का दूसरा रोपवे हो गया। बताते चले कि मंदार पर्वत पर 3 धर्मों के संगम स्थल है। यहाँ हिंदू, जैन और सफा धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं की पवित्र जगह है, इसलिए यहाँ अलग अलग धर्म के हजारों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में इस रोपवे के शुरू होने से सैलानी अब और भी बेहतर ढंग से घूम सकेंगे। करीब 800 मीटर ऊंचे मंदार पर्वत पर 8 मिनट की चढ़ाई के बाद ही रोपवे पर पहुंच पाएंगे। बताते चले कि इसका निर्माण कार्य 2017 में ही शुरू हुआ था और 2 साल की देरी से आखिरकार यह रोपवे लोगों के लिए आज से शुरू हो गया। बालू खनन कंपनी ने बिहार सरकार को लगाया चूना। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार सख्ती दिखाती रहती है, लेकिन अब बालू खनन कंपनी द्वारा ही सरकार से ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल सोन नदी में बालू खनन का ठेका लेने वाली कंपनी आदित्य मल्टीकॉम कंपनी पर करोड़ों रुपए की बालू चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह FIR रविवार को ही दर्ज कराया गया। कंपनी पर 11,72,50,000 रुपए की सरकारी राजस्व की क्षति करने के मामले में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि आपको बता दें कि प्राथमिकी में कंपनी के किसी व्यक्ति को नामजद नहीं बनाया गया है। सरकार के खनन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि क्षति की इस राशि को कंपनी से वसूला जाना है। मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ लक्ष्य से ज्यादा टीके लगने की कही बात। बिहार में जिस रफ्तार से टीकाकरण का काम चल रहा है, ऐसे में लगता है कि सरकार के लक्ष्य से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। बीते दिन जनता दरबार कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ के लक्ष्य से ज्यादा लोग
लोगों को कोरोना का टीका सरकार के द्वारा लगवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। केंद्र सरकार से जो टीका मिलना चाहिए वो मिल रहा है, इसको लेकर राज्य के पदाधिकारी निरंतर केंद्र सरकार से संपर्क में है। दूसरी डोज के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वायरल बुखार से पीड़ित 500 से ज्यादा बच्चे हुए भर्ती। पटना में बच्चों में वायरल फीवर के केस बढ़ रहे हैं। वायरल बुखार, निमोनिया व ब्लड में इन्फेक्शन जैसे कई मामले सामने आए हैं। बीते दिन सोमवार को शहर के IGIMS, PMCH, एम्स और NMCH में कुल मिलाकर 522 बच्चों को इलाज के लिए पहुंचे। PMCH शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK जायसवाल की माने तो पिछले 3 हफ्तों में वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं अगर पिछले साल के मुकाबले अब तक 1.5 गुना मामले सामने आए हैं। फिलहाल रोजाना 70 से 120 वायरल फीवर से पीड़ित बच्चे OPD में देखे जा रहे हैं। बच्चों में ज्यादातर मामले 10 साल से कम उम्र के देखे जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने ज्यादा परेशान होने की बात नहीं कही है, साथ ही बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से रोकने को कहा है। शिक्षक नियुक्ति मामले में 13 DEO को मिले नोटिस। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,714 शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। शेड्यूल के मुताबिक आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर तय की गई थी, लेकिन अब भी कई जिलों से आवेदनों की जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की जानकारी नहीं देने वाले 13 जिलों के DEO और DPO को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों के अंदर आवेदनों की जानकारी मुहैया कराने को कहा है। ये 13 जिले पूर्वी चंपारण, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण बताए गए हैं। पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए बीते दिन सोमवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय और माध्यमिक स्तरीय पॉलिटेक्निक व पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स www.bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बताते चले कि पॉलिटेक्निक व पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक की परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि पैरामेडिकल इंटर स्तरीय व पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित होगी। अब चलिए जानते हैं बिहार के मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो मानसून की सक्रियता पूरे सितंबर तक दिख सकती है। मानसूनी ट्रफ लाइन अभी बिहार से दूर है, जिस कारण बारिश होना थोड़ा कम हुआ है लेकिन थमा नहीं है। मौसम विभाग पटना केंद्र के मुताबिक 22 सितंबर यानी कि बुधवार को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं 23 सितंबर यानी कि गुरुवार को पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में बारिश के आसार अधिक बने हैं। हालांकि 24 सितंबर तक किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को भाजपा MLC ने बताया बेमतलब। बिहार के साथ ही साथ झारखंड में भी राज्य के कई राजनीतिक दल अपना विस्तार करने की चाहत में हैं। बीते दिनों राजद नेता तेजस्वी यादव भी पार्टी के प्रचार प्रसार की नियत से झारखंड दौरे पर रहे थे, जिसे लेकर अब बिहार BJP के MLC तंज कस रहे हैं। MLC संजय पासवान ने तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को बेमतलब का कह दिया है और कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राजद का कोई अस्तित्व और भविष्य नहीं है, चाहे वो कितना भी अलायंस कर ले उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें उन्होंने नवादा सर्किट हाउस में PM मोदी के जन्मदिन पखवाड़े को लेकर हुई प्रेस वार्ता के दौरान कही। अब मात्र 15 रुपए में करे भरपेट भोजन। बिहार में गरीब मजदूरों और सफाई कर्मियों को अब पैसों के अभाव के चलते भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। यह गरीबों और मजदूरों के लिए मात्र 15 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है। अब पटना के 20 जगहों पर भोजनालय खोल दिया गया है। पटना नगर निगम की इस पहल से शहर में आने वाले जरूरतमंदों, दैनिक मजदूर, सफाई कर्मचारी, रिक्शा ठेला चालकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलने से उनके खर्च में कमी आएगी, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसको लेकर निगम की तरफ से शहर में 20 जगहों पर यह व्यवस्था की गई है। इसमें पटना नगर निगम के मौर्यालय कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर टर्मिनल, बस स्टैंड के साथ शहर के कई प्रमुख हिस्सों को शामिल किया गया है। लोकसभा टिकट कांड के आरोप पर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी। RJD सुप्रीमो लालू यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर पटना सिविल कोर्ट की तरफ से FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल इन पर एक कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने परिवाद दर्ज
किया था कि लोकसभा चुनाव में राजद का टिकट देने के नाम पर उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए थे और टिकट भी नहीं दिया गया था। वहीं इन आरोपों पर तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी को तोड़ी है। तेजस्वी ने कहा कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए, साथ ही आरोप लगाने वाले से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए कहां से लाए। इस सवाल का जवाब मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर से मिला झटका। पाकिस्तान के कारनामे अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर भारी पड़ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट यानी कि ईसीबी बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल ईसीबी ने साफ किया है कि इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीम को अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अब टीम अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की से प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बोर्ड ने अक्टूबर की यात्रा से दोनों टीमों को वापस लेने का फैसला किया है। हमारे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की मानसिक और शारीरिक भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिले के सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई और अन्य व्यवस्था मिलती है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।